हिंदुइज्म बकवास है, ह्यूमैनिटी हिंदुइज्म से बढ़कर है, हमें हिंदुइज्म से ऊपर उठना चाहिए और ह्यूमैनिटी को फॉलो करना चाहिए। ह्यूमैनिटी इज अबव ऑल रिलीजन्स, वी शुड फॉलो ह्यूमैनिटी नॉट हिंदुइज्म। ये जो आपने आवाज़ सुनी, कुछ ऐसे ही बात करते हैं इस देश के अज्ञानी हिंदूज। ये कहते हैं हिंदुइज्म से ऊपर उठो, इंसानियत का पालन करो। ये कहते हैं हिंदुइज्म कुछ नहीं है, इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा है। इन्हें सनातन वैदिक संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता और ना ये जानना चाहते हैं। इन्होंने अपने शास्त्र नहीं पढ़े, इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, इन्होंने अपने धर्म की एक भी चीज़ अपनाई नहीं। यही तो कारण है बिना किसी ज्ञान के इंसानियत इंसानियत की माला जपते रहते हैं। पर इंसानियत है क्या? इसका कोई स्क्रिप्चर तो होता नहीं। हाँ, कुछ वैल्यूज हैं जो इंसानियत को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे रिस्पेक्ट फॉर ऑल लाइव्स, रिस्पेक्ट फॉर एनिमल्स, रिस्पेक्ट फॉर ट्रीज, रिस्पेक्ट फॉर रिवर्स, रिस्पेक्ट फॉर ऑल फंडामेंटल एलिमेंट्स, रिस्पेक्ट फॉर ऑल जेंडर्स। ह्यूमैनिटी का रिलीजन फॉलो करने के लिए ये कुछ बेसिक वैल्यूज है जो ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, जो वैल्यूज हमें ह्यूमन बनाती हैं। अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन ये वैल्यूज सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब वो रिलीजन ह्यूमैनिटी के वैल्यूज पे वर्क करता है। अब देखते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा रिलीजन है जो ये सारी वैल्यूज पे, या कहें हर एक वैल्यू पे वर्क करता है। रिस्पेक्ट फॉर एनिमल्स, ह्यूमैनिटी कहती है पशु पक्षियों से प्रेम करो, उनकी रक्षा करो, उनको हानि मत पहुंचाओ। विचार कीजिए, ऐसा कौन सा रिलीजन है जो जानवरों को हानि ना पहुंचाता हो, जानवरों से प्रेम करना सिखाता हो, जानवरों के जीवन को अपने जीवन के समान महत्व देता हो? उत्तर है सनातन वैदिक धर्म। हिंदुइज्म एनिमल से प्रेम करना तो सिखाता ही है, रक्षा करना भी सिखाता है। और एक चीज है जो हिंदुइज्म को ह्यूमैनिटी की वैल्यू से भी ऊपर ले जाती है, और वो है कि हम एनिमल्स को केवल अपने समान ही नहीं बल्कि अपने से बढ़कर मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। रिस्पेक्ट फॉर ट्रीज, ह्यूमैनिटी कहती है पेड़ पौधों की रक्षा करो, नए पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं, इसलिए पेड़ पौधों से प्रेम करो। और सनातन वैदिक धर्म न केवल पेड़ पौधों की रक्षा करना सिखाता है बल्कि ये सीख देता है कि हर एक पेड़ पौधे में किसी न किसी देवी देवता का वास है। स्वयं विचार कीजिए कि वो हम ही हैं जो पेड़ पौधों के आगे दंडवत होकर प्रणाम करते हैं, उनकी परिक्रमा लगाते हैं, और उनमें भावनाएं होती हैं। ये हमें आज से नहीं, हजारों सालों पहले से पता है, जब ये सो कॉल्ड ह्यूमैनिटी के कॉन्सेप्ट का जन्म भी नहीं हुआ था। रिस्पेक्ट फॉर रिवर्स, ह्यूमैनिटी कहती है नदियों को बचाओ, नदियों को स्वच्छ रखो, नदियों से ही हमारा जीवन है। और सनातन वैदिक संस्कृति तो ये तब से सिखाती है जब से वेस्टर्नर्स और उनके सो कॉल्ड ह्यूमैनिटी के कॉन्सेप्ट पैदा भी नहीं हुए थे, क्योंकि हम नदियों को अपनी माँ मानते हैं और नदियों से जीवन है, नदियों के बिना कोई जीवन नहीं। ये हमें हजारों सालों पहले से पता है। रिस्पेक्ट फॉर ऑल फंडामेंटल एलिमेंट्स, सनातन वैदिक संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जो सालों से जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश को न केवल सम्मान देती है बल्कि उनकी साइंटिफिक एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करते हुए उनको अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में सबसे ऊपर का दर्जा देती है। रिस्पेक्ट फॉर ऑल जेंडर्स, ह्यूमैनिटी कहती है हर जेंडर को इक्वली ट्रीट किया जाए। पर क्या ऐसा कोई रिलीजन है जिसमें हर एक जेंडर को इक्वली रखा गया हो, इवन थर्ड जेंडर को भी? संसार में ऐसा कोई रिलीजन है जिसके ग्रंथों में, जिसके शास्त्रों में, जिसके स्क्रिप्चर्स में हर जेंडर की रिस्पेक्ट करना सिखाया हो? उत्तर है हाँ। सनातन वैदिक संस्कृति में बहुत से उदाहरण मिलेंगे जहां मेल, फीमेल, यहां तक कि थर्ड जेंडर को भी इक्वली रखा गया है। और हिंदुइज्म एकमात्र ऐसा रिलीजन है जहां स्त्रियां भी एक पराक्रमी योद्धा हुआ करती थी। तो यहां भी हिंदुइज्म ने ह्यूमैनिटी के कॉन्सेप्ट्स को पीछे छोड़ दिया। और हाँ, कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन है जो कहता है कि आप उसे फॉलो नहीं करते तो आप अथीस्ट हो। एक और रिलीजन है जो इस ही बेसिस पे आपको काफिर कहता है। पर हिंदुइज्म एकमात्र ऐसा रिलीजन है जो सारे संसार को एक परिवार मानता है। हमारे लिए कोई अथीस्ट नहीं, हमारे लिए कोई काफिर नहीं, हमारे लिए कोई एथीस्ट नहीं जिसे चावल की बोरी देकर हम कन्वर्ट करते फिरें, हमारे लिए कोई काफिर नहीं, और न हम किसी आसमानी किताब के कहने पर लोगों की जान लेते फिरते हैं। हमारे लिए सब एक परिवार का हिस्सा है, वसुधैव कुटुंबकम। तो हिंदूज को सेक्युलरिज्म और ह्यूमैनिटी का ज्ञान तो ना ही दिया जाए, क्योंकि हिंदुइज्म इन सो कॉल्ड न्यूली फॉर्म्ड कॉन्सेप्ट से कई गुना आगे है। किसी और रिलीजन का व्यक्ति अगर कहे कि ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा रिलीजन है तो ये बात उसके लिए सही है, क्योंकि उसका धर्म ह्यूमैनिटी के कॉन्सेप्ट पे वर्क नहीं करता। पर एक हिंदू अगर कहे कि ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा रिलीजन है तो वो गलत है, क्योंकि हिंदुइज्म ऑलरेडी ह्यूमैनिटी के कॉन्सेप्ट से कई गुना आगे है।
क्योंकि हिंदुइज्म ऑलरेडी ह्यूमैनिटी की वैल्यूज पे वर्क करता है। अगर आप एक हिंदू हो तो आपको ह्यूमैनिटी की माला जपने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी ह्यूमैनिटी को ही फॉलो करते हैं। इंसान होना और इंसानियत के रिलीजन को फॉलो करना तो भाग्य की बात है, पर हिंदू होना और हिंदुइज्म के साइंस और स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को समझ कर जीवन जीना सौभाग्य की बात है। सनातन वैदिक धर्म ये सारी वैल्यूज पे वर्क करता है, या ये कहो ये वैल्यूज तो कुछ भी नहीं, ह्यूमैनिटी के कॉन्सेप्ट से कई गुना आगे है सनातन वैदिक संस्कृति, वो भी साइंटिफिकली। जिसे आप क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे धर्म की एक विशेष बात और है कि अगर कोई प्रश्न उठाए तो उसे उत्तर दिया जाता है। सर तन से जुदा का नारा नहीं लगाया जाता। हर हर महादेव।